ये है मेथी लच्छा परांठा, जिसकी रेसिपी आपने मुझसे कमेंट्स में मांगी थी। तो इसे बनाना ना बहुत ही आसान है, और आप इसे चाहे दाल के साथ, अचार के साथ या प्लेन बटर के साथ भी खाएंगे ना, ये तो भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने लिया आटा, ये सिंपल गेहूं का आटा है जिससे हम अपनी नॉर्मल रोटीज बनाते हैं। इसे मैंने बेल लिया और बीच में डाला थोड़ा सा देसी घी, इस पे गया थोड़ा सा नमक, हल्की सी काली मिर्च और कसूरी मेथी। साथ में डाला मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हाथों से ही ना बहुत अच्छे से पूरी रोटी पे स्प्रेड कर दिया। फिर इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया जैसे कि हम फैन बनाते थे, और इसे फोल्ड करने के बाद मैंने हाथों से इस तरीके से स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करके जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे ऐसे रोल कर दिया। ऐसा करने से ना परांठे में लच्छे बहुत अच्छे आते हैं। फिर जो इसका एंड था ना, वो मैंने ऐसे नीचे करके और प्रेस कर दिया। इसके ऊपर लगाया थोड़ा सा और देसी घी और कसूरी मेथी, और ऐसे हाथों से ही ना मैंने इसे दबाना शुरू कर दिया। आप ऐसे ही ना ये पूरा परांठा बना सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो तो नो प्रॉब्लम, आप बेलन की हेल्प से भी इसे ऐसे बेल सकते हो। तो चलिए, परांठा बिलके हो गया तैयार, और अब ये गया गरम तवे पे। तवे पे दोनों तरफ से उलट पलट के मैंने इसे बहुत अच्छे से सेक लिया, और फिर घी लगा के मैंने इसे मस्त कुरकुरा कर लिया। और ये देखिए, हमारा मजेदार मेथी लच्छा परांठा बनके हो गया तैयार। है ना, इसे घर में बनाना कितना सिंपल। तो आप इसे बनाइए, खुद खाइए, घर वालों को खिलाइए, और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए।